हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव जोन। फ्रेंड्स, अरेका पाम के प्लांट को हम कैसे लगाएं और कैसे इसकी केयर करें, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरेका पाम के प्लांट की ग्रोथ को हम कैसे फास्ट और हेल्दी बनाएं, जिससे कि इसकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अरेका पाम का प्लांट एक बहुत ही सुंदर और लश ग्रीन प्लांट होता है, लेकिन कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये डल लगने लगता है और इसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने घर में रखी हुई चीज़ों से ही अरेका पाम के लिए ग्रोथ बूस्टर्स तैयार कर सकते हैं। ऐसे ग्रोथ बूस्टर्स जिनके पॉजिटिव रिजल्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स बिल्कुल ज़ीरो। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला फर्टिलाइज़र है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र एक्चुअली केले के छिलकों से बनने वाला एक तरीके का बायोएंजाइम है, और ये फॉस्फोरस और पोटेशियम का भंडार है, और साथ ही इसमें बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि किसी भी प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 4-5 केले के छिलके लेंगे और उन्हें इस तरीके से हम स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। जितने ज़्यादा स्मॉल पीसेस हम कट करेंगे, उतनी ही तेज़ी से ये डीकम्पोस्ट हो पाएंगे। इन पीसेस को कट करने के बाद में हमें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या इस तरह की किसी बॉटल में इन छिलकों को भर लेना है, और उस बॉटल को या कंटेनर को हम 3/4 पोर्शन तक, यानी लगभग यहाँ तक पानी से भर लेंगे। 1/4 पोर्शन हमें इसका खाली छोड़ना है, जिससे कि जो गैस उसमें रिलीज होगी उसको भी स्पेस मिल सके। इस प्रोसेस को कम्प्लीट होने में अराउंड 15-20 डेज लगेंगे, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें रोज़ उस कंटेनर का ढक्कन खोलना है और उसमें बनने वाली गैस को रिलीज़ कर देना है। 15-20 डेज के बाद आप देखेंगे कि गैस रिलीज़ होना बंद हो गया है, और जो उसमें से स्मेल आ रही थी वो स्मेल भी बहुत लाइट हो गई है। जब इसका एंड प्रोसेस होगा तो स्मेल बिल्कुल कम होकर एक हल्की सी सिट्रिक्सी स्मेल में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उस पानी को आपको छान लेना है। छानने के बाद इस तरीके से आपका एक लिक्विड पोर्शन तैयार हो जाएगा। ये लिक्विड पोर्शन आपका बनाना पील फर्टिलाइज़र है। इसको आपको 1:4 के रेशो में, यानी इस पानी को इसके बराबर के 4 गुना पानी में मिलाकर अपने अरेका पाम के प्लांट में हर 15 डेज में देना है। इसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत अच्छा साबित होगा। इसके बाद हमारा अगला फर्टिलाइज़र है कॉफ़ी फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, कॉफ़ी फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन का एक बहुत ही रिच सोर्स है, और हमारी जो ये लश ग्रीन लीव्स हैं अरेका पाम की, इसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसमें हमें किसी भी ब्रांड का एक छोटा सा कॉफ़ी का पाउच लेना है और उसे 1 लीटर वाटर में मिलाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में 2-3 दिन के लिए हमें रख देना है। 2-3 दिन बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। हमें इसे 1:3 के रेशो में पानी में मिलाना है, मतलब कि जितना भी हमारा फर्टिलाइज़र है 1 लीटर, इसको 3 लीटर और वाटर में हम मिलाएंगे और अपने अरेका पाम के प्लांट्स में इसको हम दे देंगे। इसका यूज़ हमें महीने में एक बार करना है। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र हमारा आ जाता है एप्सम सॉल्ट फर्टिलाइज़र। एप्सम सॉल्ट एक इस तरीके के मोटे ग्रेन्यूल्स वाला सॉल्ट होता है, और ये प्लांट्स के लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। एक्चुअली ये मैग्नीशियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और पौधों में जो क्लोरोफिल बनता है उसका प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है, और जो भी कोई और फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट्स में डालते हैं उनके अब्जॉर्प्शन को भी ये बढ़ाता है, उनको अच्छे से अब्जॉर्ब हमारे प्लांट्स कर पाते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें 1 पिंच एप्सम सॉल्ट, मतलब लगभग इतनी मात्रा में हमें एप्सम सॉल्ट लेना है, और उसको 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल देना है, अच्छे से उसको डिसॉल्व करना है, और उस पानी को हमें अपने अरेका पाम के प्लांट में 3 महीने में एक बार दे देना है। इसकी हमें ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और ना ही इसकी हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में एप्सम सॉल्ट अपने प्लांट में दे देंगे तो हो सकता है कि इसकी सॉइल का पीएच लेवल बढ़ जाए, जो कि प्लांट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद हमारा एक और हम फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, वो है हमारा एग शेल फर्टिलाइज़र। अगर आपके घर में एग्स का यूज़ होता है तो आपके जो यूज्ड एग्स हैं उनके छिलकों को आप अच्छे तरीके से धो लेंगे और धो के धूप में सुखा देंगे। धूप में सूखने के बाद आपको उन्हें क्रश करके किसी बॉटल में, इस तरह की किसी बॉटल में या किसी एयर टाइट कंटेनर में डालना है और उसमें पानी भर देना है। उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में आप उसको छान कर यूज़ कर सकते हैं। जो एक्चुअल फर्टिलाइज़र होता है वो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है,
और जो हमारे प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चारों तरह के फर्टिलाइजर्स पसंद आए होंगे और आप इनको अपने अरेका पाम के प्लांट में ज़रूर यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।